आंखें, इसकी आंखें नॉर्मल नहीं है, इसकी आंखें नाकिन की। आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे फिर आप? मैं नशे में रही हूँ, प्लीज मेरी बात करो, बात करो, मैं झूठ रही हूँ। क्या कह रही है तुम? Just stop it. बात क्यों नहीं? Just stop it, I said. भैया मैं झूठ रही हूँ, मैंने ड्रिंक नहीं किया था, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने ड्रिंक नहीं किया भैया। स्मेल आ रही है यहाँ तक। नॉट ड्रंक। गीतांजलि तुम चेक करके देखो। मैंने नहीं ड्रिंक किया। I said shut up. समझ क्यों नहीं आ रहा मेरे लाइफ? सुबह सुबह तुमने पी रखी है, अगली बार मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता हूँ। जस्ट गो भैया, मैं नशे में नहीं हूँ, प्लीज जाओ। I'm very sorry, मिली। मैंने तुम्हारे ऊपर शराब की छींटे डाले क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी बातों को सच माने। मैं जानती हूँ मैंने जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं, कभी भी नहीं, किसी के साथ नहीं। भाभी थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब करने के लिए। भाभी प्रतीक सच में एक बहुत अच्छा लड़का है, बस हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे, समझ में नहीं आ रहा पूरे घर वालों को कैसे बताएं सब। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं प्रतीक से बात करने जा रही हूँ, उससे पूछने जा रही हूँ उसका आगे का प्लान क्या है, क्या चाहता है वो आगे। ओके डोंट वरी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। वो मिली ने अंदर आपको जो भी कुछ कहा उसके लिए हम सॉरी, पता नहीं आपको क्यों नाक के नाक। मैंने उसे माफ कर दिया, तुम अंदर जाओ, मैं प्रतीक से मिल के आती हूँ। ओके थैंक्स भाभी। रिंदा कहाँ जा रही? थैंक यू सो मच भाभी, आप मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। वो ठीक है प्रतीक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हरकतें भी सही मानती हूँ। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है और वो तुमने और लिली ने मिलके क्रॉस की है, नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ भाभी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, बट एक बात कहूँ आपसे, जेन्युइनली मैं लिली से बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, इतना सच्चा प्यार कि मैं उससे शादी तक करने के लिए तैयार हूँ। घर क्यों नहीं आया तू? शादी की बात क्यों नहीं की अभी तक किसी से? क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ भाभी, आप जानती है मैं कौन हूँ, मैं एक पियून का बेटा हूँ, और लिली इतनी हाई क्लास फैमिली की लड़की है, जितना मैं एक महीने में कमाता हूँ आई थिंक वो एक दिन में खर्च करती होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद आकर उसका हाथ मांगूंगा पारिक फैमिली से। तो फिर तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि अब जो हो गया है उसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ेगा, और मैं तैयार भी हूँ, अब जब भी कहेंगी मैं आऊंगा और लिली के पेरेंट्स से मिलूंगा। लिली से सुना था तुम्हारे बारे में और तुम बिल्कुल वैसे ही निकले, तुमसे मिलकर खुशी हुई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पारिक खानदान में भी सब तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगे। शायद कुछ कड़वी बातें सुननी पड़े, शायद उल्टा सीधा बोले। तैयार हूँ मैं, मैंने आपसे कहा ना मैं लिली से बहुत प्यार करता हूँ, तो लिली के लिए मैं कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हूँ, किसी को भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। आप जब भी कहेंगे मैं आ जाऊंगा। तो फिर चलो मेरे साथ, पर हाँ घर के बाहर ही वेट करना, तब तक मैं अंदर जाके सबसे बात कर लूंगी और फिर तुम्हें मैसेज करूंगी, तुम अंदर आ जाना। ये प्रिंदा किससे बात कर रही है? चलो या कमॉन यार प्रिंदा, आखिर कर क्या रही हो तू? वो लड़का कौन था? क्या है, क्यों बुलाया हम सबको? क्योंकि मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज से बहुत बहुत खुश हैं। गलत फहमी है या इसकी? लेकिन मैं आप सबके सामने एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, मैं आप में से किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती। आप लोगों को सच जानने का हक है, और मैं जानती हूँ ये सच सुनने के बाद आप भले ही धीरे धीरे लेकिन इस सच को एक्सेप्ट कर लेंगे। रिंदा, ये क्या कर रही हो तुम? देव इट्स ओके प्लीज। नो इट्स नॉट ओके, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है देव, मैं सारे घर वालों को अंधेरे में नहीं रख सकती, आई एम सॉरी। मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रही हूँ शायद सुनने के बाद आप लोगों को बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर,
शायद कुछ लोगों का भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाए, लेकिन लेकिन फिर भी मैं सच बोलूंगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। लिली, लिली आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? हाँ। थैंक गॉड तुम मिल गई। आई वाज लुकिंग फॉर यू। ठीक हो ना तुम? डोंट वरी, अभी तक घर पे किसी को कुछ नहीं पता है, तो लेट्स जस्ट, तुम मेरे साथ आओ, हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम डरो मत, बस चलो मेरे साथ। ओके, लेट्स गो। मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप उस इंसान से खुले दिल और खुले दिमाग के साथ मिले, प्लीज। अरे जो भी है बुला लो बेटा, इतना क्या सोच रही है, आखिर है कौन वो? वृंदा, जो कहना है सीधे सीधे कहो, फालतू वक्त नहीं है हमारे पास, वरना मैं जा रही हूँ। सच सुन के जाइएगा प्लीज, ये बात इस बच्चे के बारे में, ये मेरा और देव का बच्चा नहीं है। ये तो क्या कह रही है वृंदा? देव के साथ तेरी झगड़ा हुआ है क्या, तभी तो ऐसा बोल रही है? माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बच्चा एक्चुअली मेरा है। वृंदा, मैं, तुमने तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देने आ गया। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सबको बता सकते हैं ये बच्चा हमारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वृंदा, यही बताने वाली थी ना तुम सबसे? ओ, I'm so sorry. अभी भी छुपाना था क्या? हे भगवान, ये लड़का क्या बोल रहा है? ये सच नहीं हो सकता। माँ झूठ बोल रहा है, इसकी तो बात हो ही नहीं रही थी, मैं तो। वृंदा, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, एक ना एक दिन तो ये सच्चाई सबके सामने आनी थी ना, बस वो दिन आज है। वाह, तो ये नजारा दिखाने के लिए हम सबको यहाँ इकट्ठा किया था तुमने? इसलिए कह रही थी जो आ रहा है उसे हम खुले दिल से खुले दिमाग से अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि तुम तो ऐसा पहले ही कर चुकी हो, खुल के एक्सेप्ट कर चुके हो ना इसे। माँ प्लीज। तू चुप कर। वाह स्वराजी, आपकी बेटी तो हमारे बच्चों से भी ज्यादा मॉडर्न निकली। सीरियसली वृंदा, भाभी आपके लक्षणों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, आपने तो शादी से पहले ही बूम बूम चकलाका कर लिया। बस जबान संभाल के बात कर। अरे जबान नहीं, अपनी बीवी को संभालो, उसे आंखें दिखाओ जिसने हमारी आंखें नीची कर दी है। आज हमारी नाक काट के रख दी तुम्हारी बीवी ने। अरे आज कहाँ रसिक भाई, आज तो हमें ये बात पता चली है, पता नहीं कब से इस लड़की ने हमारी नाक काट के रखी होगी, पता नहीं कितनी बार और कितने लोगों के साथ। वृंदा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब लोग तुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सच क्यों नहीं बता देती उन्हें? स्वरा माम, आई एम सॉरी, बट सच तो यही है कि मैं और वृंदा, ये बच्चा हमारा है। हाथ छोड़, हाथ छोड़, तेरा बच्चा नहीं है, ये समझा? देव, तेरा दिमाग तो ठीक है? इस लड़की ने खुद ही कबूल किया है कि ये तेरा बच्चा नहीं है, और देख गवाही के तौर पे अपने यार को बुला लाई है, और क्या चाहिए तुझे? मैं इस बदसात लड़की को, नहीं,
देव, तुझे लड़की धोखा दे रही है, तुझसे झूठ बोल रही है और तुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ देव, तू अपनी माँ को क्यों रोक रहा है? हाँ, उस लड़की की तरफ देख, देख तो सही उसे, किसी और का बाप हमारे घर पर लेकर घूम रही है, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी लड़कियाँ किसी एक की नहीं होती। पता नहीं देख, तेरे बाद और कितने रखेगी। Enough! That's just enough! अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। वृंदा मेरी पत्नी है, शादी हुई है मेरी उसके साथ। फेरे लेते हुए मैंने उसे वचन दिए, साथ निभाने का वचन, हर जिम्मेदारी को बांटने का वचन। तो आज जब मौका आया है तो मैं अपना पति होने का फर्ज निभाऊंगा। तो सिंपल बात यह है कि वृंदा मेरी पत्नी है और वो अब मां बनने वाली है, तो ये बच्चा मेरा है। दैट्स इट। देव पर ये तू चुप कर। अगर अब मुंह खोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा, और निकल यहां से। मेरे किसी अपने को तू अपना नहीं कहेगा, ना वृंदा को ना उसके होने वाले बच्चे को। इन दोनों पे तेरा कोई हक नहीं है। Now get the hell out of here! तो अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है, साथ देवता बन रहा है। इतना कुछ कर रही हूँ पर वृंदा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा विशाखा। और आप सब भी एक बात अच्छे से समझ लो, वृंदा ने सच बोलने की हिम्मत की है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तू पागल हो गया क्या? पागल हूं तो पागल हूं, लेकिन मैं अपने दोस्त होने का, पति होने का फर्ज निभाऊंगा। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, और अगर किसी ने भी वृंदा को बदनाम करने की कोशिश की तो उससे हर नाता हर रिश्ता तोड़ दूंगा मैं, उसका मुंह तक नहीं देखूंगा। और अगर आपने भी ऐसा किया ना मां, तो मैं आपका मुंह भी नहीं देखूंगा। मैं वृंदा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। चलो वृंदा। मैं इस बदसात लड़की को नहीं। फेरे लेते हुए मैंने उसे वचन दिए, साथ निभाने का वचन, हर जिम्मेदारी को बांटने का वचन। तो आज जब मौका आया है तो मैं अपना पति होने का फर्ज निभाऊंगा। मैं वृंदा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा,
देव ये तुम बेड पे सो जाओ, मैं वहां सो रहा हूं। देव लिसन, इसके आगे मुझे और कोई बात नहीं करनी। हालांकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो तुम झूठी बोलोगी। लेट इट बी, आई एम डन, गुड नाइट। क्या करूं इस देव का, इस बृंदा का साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे तोड़ूं इन दोनों की जोड़ी को? नहीं, ये काम मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, ये अकेले नहीं कर पाऊंगी। देव पागल है इस लड़की के प्यार में, मुझे उसे बुलाना होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी मुंडिका, तुम्हें बाहर आना होगा। मुंडिका, मुंडिका, तुम्हें बाहर आना होगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें बाहर आके मेरी मदद करनी होगी, बाहर आना होगा तुम्हें। साथ दो मेरा, मदद चाहिए मुझे तुम्हारी। कहां फंस गई मैं, क्या हो रही है? मुझे विशाखा से मिलकर बात करनी ही होगी। क्या पता उसे, उसे पता हो आज मेरे साथ क्या हुआ। रजत क्यों कर रहा है ये सब, किसके इशारे पे? रिंदा, आओ मुंडिका, आओ, स्वागत है तुम्हारा। नागमणी चिन्ह में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वही नागमणी जो देव के माथे पर चमकती है, तब चमकती है जब उसे बर्दाश्त से बाहर गुस्सा आता है। मैंने नागमणी को चमकते हुए देखा था जब बृंदा बनके मैंने उसे गुस्सा दिलाया था। प्यार में पागल लड़का गुस्से में पागल हो गया था। ऐसे प्यार में वार करने की तरकीब बुरी नहीं है, ऐसा कर सकती हूँ मैं इस लड़के को अपने प्यार में पागल कर दूंगी, अपने प्यार का जादू चलाऊंगी उसे, जिसे उसकी और वृंदा की जोड़ी टूटे और उसका गुस्सा फूटे। ऐसा ही करना होगा मुझे। और मुंडिका, इस सब में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। देव को फांसने में मदद चाहिए होगी मुझे तुम्हारी। कहाँ जा रही हो तुम? पानी लेने जा रही थी। हर बात में झूठ बोलना जरूरी है? हर चीज में ब्लेम करना जरूरी है? नहीं देखा ना पानी मैंने। रियली? और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बिलीव करूं? झूठ बोलने के अलावा और कोई शौक नहीं पाला तुमने? तुम ऐसे मत बोलो जैसे तुमने कभी कोई झूठ ना बोला। What? मैंने कौन सा झूठ बोला है तुमसे? वृंदा, मैंने आज तक हमेशा तुमसे सच ही बोला है, सच के अलावा कुछ नहीं बोला है। मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, क्यों फील करता हूँ, तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ, सब कुछ सस्ता पूरी ईमानदारी से कहा है मैंने। जो भी कहा है, मुझ पर उंगली मत उठाओ क्योंकि तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती हो। तुम झूठी हो, स्प्लिट पर्सनालिटी हो, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता। कभी कभी लगता है कि तुम मेरी वो बचपन वाली दोस्त हो जो हर पल खिलखिला के हंसती थी, जो मेरे लिए इमली चुरा कर लाती थी, शरारती थी लेकिन सीधी थी, पर कभी कभी ये बन जाती हो जो सर से लेकर पांव तक एक धोखा है, जो दुनिया में अपने सिवाय किसी और की नहीं सोचती है, उसे बस अपनी ही पड़ी है, जिसके लिए कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई मायने नहीं रखता, यहां तक कि बाकी इज्जत नहीं करती है वो, जिसने दो बार अपने एक्स को यहां पर बुलाया और एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारा वो एक्स रजत हमारी रिसेप्शन पार्टी में महाशिवरात्रि में यहां पर मौजूद ही नहीं था, बल्कि नाच नाच के अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रहा था सबको। ये सब देख के बात तक शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई। तब भी शर्म नहीं आई जब उसने मुझे चैलेंज किया कि तुम्हारी और उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम दोनों जो बात मेरे लिए बोलने में मुश्किल है वो आसानी से कर जाती हो तुम।
really something, Brinda. आज समझ में आया मुझे कि प्यार को दर्द क्यों कहा जाता है, एक सजा क्यों कहा जाता है। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा दिल तोड़ने में, मुझे दर्द देने में, मुझे जलील करने में। अब मुंह क्यों छुपा रही हो, मुझे जवाब। मेरा रुद्राक्ष टूट गया, पाने दिया था मुझे, लिसन आई एम सॉरी। देव, अगर मैं तुमसे कहूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? अगर मैं तुमसे कहूंगी तुम्हें दो वृंदाओं के साथ आगे नहीं रहना पड़ेगा, क्या तुम मेरी बात? सवाल ये था कि तुम कहां जा रही हो, उसका जवाब दो। मैं अभी नहीं पता। फाइन। देव, मैंने तो इनमें से किसी जगह रजत को नहीं बुलाया था, फिर वो आया कैसे? और विशाखा मेरा रूप लेके उससे उसके इतने पास क्यों जा रही थी? घर पे भी सबसे इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है वो? सबको शक मुझ पे हो जाए ये चाहती है क्या? कर क्या रही है वो? मुझे पता करना ही होगा। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? मैं सच कह रही, मुझे उस देव को अपने प्यार में फंसाना होगा। अरे हो क्या गया, क्यों इतनी हंसी आ रही है मुझे? क्या बोलूं, मुंडिका से बहुत अलग हो तुम। मुंडिका इश्क नहीं लड़ाती, सीधा मुंडी उड़ाती है। तुमको भी यही सीखना चाहिए, वृंदा की मुंडी उड़ा दो। तो तुम खोपड़ी लगाते हो दिमाग नहीं। मैंने अभी तो तुमसे कहा कि देव वृंदा से हद से ज्यादा प्यार करता है, यानी वृंदा ही है जो देव को हद से ज्यादा गुस्सा दिला सकती है। अब अगर वृंदा मर गई तो उसके पीछे देव भी मर जाएगा, और देव के साथ मेरी नागमणी भी गई। समझो मैं ऐसा क्यों चाह रही। विशाखा, क्या हुआ? मैं ही हूं। अब क्या प्रॉब्लम है विशाखा, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या कर रही हूं मतलब? तुम्हारी मदद कर रही हूं। मेरी मदद? मेरा रूप लेके रजत के साथ फ्लर्ट करने को तुम मेरी मदद बोल रही हो? और पार्टी में जो हुआ वो अलग, तुम उसे पूजा तक में ले आई। विशाखा कर क्या रही हो? तुमने देखा भी था देव को कितना गुस्सा आ रहा था, कितना नाराज हो गया था। तुम वो सब छोड़, तुम ये सब बा के सामने कर रही हो जो मेरा टारगेट भी नहीं है, जिनको मैं नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। विशाखा प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बा से सच में बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और वो मेरा टारगेट नहीं है। सॉरी वृंदा, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। कभी कभी बस मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाती। मैं क्या करूं, जब भी मैं पारिक्स को देखती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है, खून खोलने लगता है। उन लोगों ने तुम्हारी माँ के साथ क्या क्या नहीं किया है, मान्यता के साथ, मेरी दोस्त के साथ, मुझे बहुत बुरा लगता है। और तुम्हें कहा था ना गुफा से निकाला ना, क्या क्या सहा है उन्होंने, मुझे बहुत बुरा लगता है। पर अपने गुस्से को काबू में ही नहीं रख पाती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, भूल जाती हूँ कि मुझे नाटक करना है, नहीं होता। गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आता। रियली सॉरी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ सच में, लेकिन विशाखा तुम्हें भी मेरी हालत समझनी होगी। हाँ, जो तुम कर रही हो उससे सिर्फ देव के दिल में गलत फहमियां पैदा हो रही है। मुझे इस घर में रह के अपना बदला लेना है, तो मैं कोई गलती नहीं कर सकती हूँ। मतलब देव नाराज हो रहा है, उसकी गलत फहमियां बढ़ रही हैं, वो गुस्सा है मुझसे। पर देव की नाराजगी से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे? ये शादी सच की थोड़ी ना है, तुम्हें थोड़ी ना इस शादी को निभाना है। हाँ पता है मुझे, नहीं फर्क पड़ता मुझे, ना निभानी है मुझे ये शादी, लेकिन ये वक्त मेरे और देव के बीच में गलत फहमियां पैदा करने का नहीं है।
मुझे अपने मकसद को पूरा करना है, नहीं अपना टाइम देव को सफाइयां देने में बर्बाद करना है। इसलिए बोल रही हूँ विशाखा, थोड़ा ध्यान रख लो। तुम्हें कोई गलती नहीं करनी है। मैं देव के दिल में अपने लिए नाराजगी नहीं पैदा कर सकती। मैं ये सब हरकतें करूंगी, मैं इस घर से निकाल दी जाऊंगी। जो हो गया ऐसा नहीं हो, बहुत गलत हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। थैंक यू। ध्यान रखना, बढ़िया है मुझे सिखाने वाली। तुम अब भी हंस रही हो? अरे क्या हुआ, कोई चुटकुला सुना दिया क्या? तुमने नहीं, उस बृंदा ने सुनाया। झूठ बोलती है कि शादी नहीं निभाएगी। अरे देव प्यार करता है उससे, और वो भी लट्टू है देव पर, तुम्हारी तरह। मैं नहीं। हाँ, पर उसे अपने प्यार में जलाना तो चाहती हो ना, जो अब नहीं हो सकता। क्यों? अरे जिसे नई नागिन का प्यार मिल रहा हो, वो 100 साल पुरानी नागिन को क्यों देखेगा? छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ेगा। मजबूर कर दूंगी उसे। मैं नागमणि को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी छीन सकती हूँ, उसके प्यार को, उसके पति को, किसी को भी। क्या हुआ आकाश? भोला बता रहा था कि तू मुझे ढूंढ रहा था, मैं मंदिर गई थी, तभी हमारी ये डील हुई है। बा ये देखो, मैंने देव के लिए एक फैक्ट्री खरीदी, अब वो जब चाहे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट वहाँ शुरू कर सकता है। बा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। ला, मैं इसे भी कुमकुम लगा दे। हाँ बा, अब भगवान ने चाहा तो इस फैक्ट्री से नाना भाई का नाम फिर से रोशन हो जाएगा। बिल्कुल बा। बा, नाना भाई गए, अब हमें उनकी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। आकाश, मुझे लगता है आपको विशाखा खन्ना से बात करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के लिए। वो सब तुम लोग जानो, बस मैं तो इतना जानती हूँ कि ये सब मेरी वृंदा के शुभ पैरों की वजह से हो रहा है। बा प्लीज, उसके कदम शुभ नहीं, भारी है। वो प्रेग्नेंट है, वो भी किसी और लड़के से। मैं नहीं मानती, एक मिनट के लिए भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरी वृंदा दोषी है। वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। बिल्कुल, मुझे भी पूरा भरोसा है अपनी वृंदा पर। जरूर कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से वो चुप है, वरना। आकाश प्लीज, आकाश तुम छोड़ो, इस बारे में बहस मत करो। एक न एक दिन वृंदा सबको जवाब दे ही देगी। बिल्कुल, बस तुम मेरा एक काम करो, इस फैक्ट्री का आधा हिस्सा मेरी वृंदा को दो। ठीक है। और दूसरा आधा देव को। मैं चाहती हूँ कि दोनों मिलके ये फैक्ट्री चलाए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बा? बहुत अच्छे, बढ़िया। मेरा काम और भी आसान कर दिया, आधा आधा करने की बात किया। अब देखना कैसे देव और वृंदा को आधा आधा करके अपना मकसद पूरा करती हूँ। ने बहुत दिल से दिया था, इसलिए वहां दवाइयां पड़ी हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए, ले लेना। देव, मॉम डैड ने एक फैसला लिया, पारिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर एक फैक्ट्री खरीदी है जिसमें 50% शेयर मेरा होगा, 50% तुम्हारा। ये सब क्यों? मगर मैं नहीं चाहती हूँ इस। ये मेरा डिसीजन नहीं है, बाका डिसीजन है, और मैं उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता और उन्हें मना नहीं कर सकता। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम मेरे और मेरी फैमिली के साथ हो या फिर अपने एक्स के साथ, डिसाइड कर लो। देव एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। सुनूंगा मैं तुम्हारी बात, तुम्हारी हर बात सुनूंगा, लेकिन तुम्हारा फैसला सुनने के बाद। 2 दिन में नई फैक्ट्री की पूजा है, अगर तुम मेरे साथ हो तो ही उस पूजा में मेरे साथ बैठना, नहीं तो नहीं। जो भी फैसला लोगी, जस्ट टेक बाय दैट एंड डोंट वरी, तुम्हारा फैसला जो भी हो 50% तुम्हारा ही रहेगा इस बच्चे की देखभाल के लिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो भी तय करो एटलीस्ट इस बार उस पर कायम रहना, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी फीलिंग्स हर्ट हो उसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मेरी फैमिली सफर नहीं करनी चाहिए, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ जो भी तय करो उस पर टिकी रहना, और दवाइयाँ ले लेना नाश्ते से पहले लेनी है।
यार ये प्रतीक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं फोन उठा रहा है मेरा? उसका लैंडलाइन भी नहीं लग रहा है। लीली चल क्या रहा है? वो तुझे छोड़ के तो नहीं भाग गया? ऐसा नहीं हो सकता भाभी। प्रतीक का है भाभी, वो तो आपके साथ आने वाला था ना, तो फिर रजत कहां से आ गया? और ये लीली रिलैक्स रिलैक्स, प्रतीक आ जाएगा। ये दवाइयां ले लो, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स है, तुम्हें नाश्ते से पहले लेने होंगे हमेशा, आज के बाद। हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, प्रतीक कल आया था मेरे साथ और मैंने उसको बोला भी था कि अंदर आने के लिए वेट करे जब तक मेरा मैसेज ना मिले, लेकिन उसके बाद वो अंदर आया ही नहीं। पर जो भी है उसके बाद भी मुझे उसके ऊपर भरोसा है, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। इनफैक्ट वो यहाँ पे शादी की बात ही करने आया था। फिर वो अंदर क्यों नहीं आया? जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा। कुछ हुआ है मतलब क्या है आपका? क्या हुआ, क्या बोल रही है ये? क्या हुआ है प्रतीक के साथ, बताओ ना मुझे क्या हुआ है? सुनाई दे रहा है यहाँ से, इन बृंदा भाभी जो भी प्रतीक के साथ हो रहा है ना, हम संभालेंगे। थैंक यू, अब आप जाओ प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं प्रतीक का पता लगा के ही जाऊंगी। हाँ लिली, तुम नाश्ता कर लो जाके, मैं प्रतीक को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, डोंट वरी। मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। मिली मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम रुको। रियली मेरी हेल्प क्यों चाहिए आपको? हाँ मिली मुझे तुम्हारी जरूरत है, लिली तुम जाओ। मिली तो रुक ना, जो भाभी कह रही है वो करना, मैं जाती हूँ। और स्ट्रेस कम लो। हाँ ओके। नो, बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने सबको नीचे बता दिया, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे कुछ मत करना। अब मुझे पता है आप क्या हो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज। मैं नागिन हूँ ओके, मुझे पता है, मगर मेरी प्लीज मेरी बात का यकीन करो मिली, मैंने आज तक किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही तुम्हें पहुँचाऊंगी। मैं प्रतीक का पता लगा सकती हूँ। कैसे? हम इच्छाधारी नागिनों के सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, अगर मैं ढंग से ध्यान लगाऊं तो मैं पता कर सकती हूँ प्रतीक का है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हें दरवाजे पे खड़े रहना होगा गार्ड बनके, ताकि कोई अंदर ना आ पाए। मिली प्लीज, इस वक्त तुम मुझे सिर्फ अपनी भाभी समझो जो लिली की हेल्प करना चाहती, प्रतीक का पता लगाना चाहती। तुम बाहर दरवाजे पे खड़ी रहो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, तब तक मैं प्रतीक का पता लगाती हूँ। हाँ जाओ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, पक्का जाओ। इसका मतलब प्रतीक नीचे है, स्टोर रूम में। मिली हाँ मेरे साथ चलो, प्रतीक नीचे जल्दी। मैम मेरा फोन वापस दीजिए। देखिए मैम आप यहाँ मेहमान है, मुझे वृषाली मैम को दिखाना है। नहीं मैं आपको फोन नहीं दे सकती, देखिए इसमें फैमिली से जुड़ी कुछ चीजें, वृंदा से जुड़ी कुछ चीजें, मैं ये आपको नहीं दे सकती। देखो मैम आपको ये करने का कोई हक नहीं है। हक है मुझे, मैंने कहा ना मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, आप जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना जाइए, जस्ट लीव। ठीक ठीक। क्या हुआ, एवरीथिंग ओके? या ऑल ओके, आप जाइए ना, ब्रेकफास्ट करिए। मैंने वृंदा का नाम सुना ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। और ये क्या छुपा रही हैं? लिसन आप साफ साफ बताइए मुझे क्या बात है। एक्चुअली मिस्टर देव, एक्चुअली वो आप इतने लविंग हैं, केयरिंग हैं, इतने अच्छे हस्बैंड हैं, आई डोंट वॉन्ट यू टू फील चीटेड। वो सिक्योरिटी वाले ने वृंदा को वृषाली जी के रूम में जाते हुए देखा, दबे पांव। वो वहां पर लॉकर है ना, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वृंदा इस घर की बहू है, वृंदा देव पारेख है, वो इस घर में कहीं भी दबे पांव जाने की जरूरत नहीं है उसे। और जहां तक लॉकर की बात है, उसमें से इसने निकाला ही क्या है, ये छोटी सी पोटली? पैसे या जवाहरात तो नहीं निकाले, कोई ज्वेलरी या कैश तो नहीं निकाला, और अगर वो निकालती भी तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सब उसका भी तो है। आप इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इतने समझदार हैं, रियली
शादी के बाद तो सबको ही ऐसा होना होता है। नो मिस्टर देव पारिक, सब ऐसे नहीं होते। सच में आप ऐसे हैं, आप सच में बहुत अच्छे हैं। एनीवेज चलिए ना, नाश्ता करते हैं। चलिए। अच्छा हुआ तुम आए, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वैसे भी खाली पेट काम पे नहीं जाना चाहिए। आओ बैठो, नाश्ता करो। हाँ। अरे इट्स ओके, आई एम जस्ट हेल्पिंग। आपकी बीवी नहीं आई है ना, शायद कहीं बिजी है। आर्म्स के साथ अचार। आपको तीखी अचार पसंद तो है ना? या या दैट्स फाइन। श्योर? या। गुड टेस्ट, मुझे भी तीखा पसंद है। और कुछ? नो आई एम फाइन, आप भी खाइए ना प्लीज। या मैं हेल्प कर देता हूँ अब। ओके। मिली? हाँ। तो तुम नीचे गोडाउन में जाओगी ना, गैराज के नीचे, वहीं है प्रतीक, वहां मिलेगा तुम्हें। लिली को साथ में लेके जाना, उसका भी नाश्ता हो गया होगा। ठीक है, गो। थैंक यू, सॉरी। दैट्स ओके, देव मेरे लिए खाना परोस ही रहा था। कोई बात नहीं, मैं सर्व कर देती हूँ, एक ही बात है। दैट्स माय प्लेट, वो जो तुमने ली वो मैंने ले ली, ये ले लो, कोई बात नहीं। अरे सब लोग शाम को तैयार रहिएगा, फैक्ट्री की जमीन देखने जाना है। कुछ चाहिए? हेलो। हाँ वो दही। एक सेकेंड। ओके। एक सेकेंड, ये लो देव। हेलो। हाँ ओके। बा एक्चुअली मैं थोड़ी देर में आऊं क्या? ठीक। देव कुछ और चाहिए? वृंदा हमेशा बिजी रहती है, गॉड नोज वेयर शी इज रनिंग अराउंड। मैंने कभी इतनी बिजी हाउसवाइफ नहीं देखी है लाइफ में। ये थोड़ी अलग टाइप की हाउसवाइफ है, ऐसी आपने तो क्या हमने भी कभी नहीं देखी। वैशाली क्या बात, झूठ थोड़ी ना बोल रही हो, बचपन से देखा है इसे, लेकिन ऐसी छुपी रुस्तम निकलेगी सोचा नहीं था। प्रतीक, ये वृंदा भाभी कहाँ है? तूने बुलाया ना उन्हें? हाँ मैंने बोला है, वो आ रही हैं। प्रतीक, प्रतीक आंखें खोलो, प्रतीक तुम ठीक हो ना? प्रतीक आंखें खोलो, प्रतीक यहाँ पे कैसे है तुम? प्रतीक हाँ, कि वृंदा भाभी को कैसे पता चला कि प्रतीक यहाँ पे? रुको हटो। प्रतीक ये लो, प्रतीक पानी पी लो। बस बस ओके, और चाहिए? प्रतीक प्रतीक तुम तो दरवाजे के बाहर वेट कर रहे थे ना, तो तुम यहाँ कैसे पहुंचे? किसने किया ये तुम्हारे साथ? मैं वहीं पर वेट कर रहा था जहाँ पर आपने मुझसे कहा था वेट करने के लिए। उसके बाद लिली वहां पर आई और इसने मुझसे कहा कि इसे मुझसे कुछ बात करनी। मैं कब वहां पे आई? प्रतीक मैं तो अंदर थी, मैं तो बाहर आई नहीं। तो तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था उसके बाद, मुझे कुछ याद। प्रतीक आई स्वेयर यार, मैं अंदर थी, मैं बाहर आई नहीं, मैं बाहर बिल्कुल नहीं आई। भाभी आपको याद है, मैं अंदर ही थी, आपके सामने हाथ जोड़ रही थी, जबकि किसी को मत कहना, मैं अंदर ही थी भाभी, मैं बाहर नहीं आई। तुम बाहर नहीं आई थी, तुम सही बोल रहे।
सब वही थे सिवाय विशाखा के। इसका मतलब कहीं ये सब वही तो बहुत क्या कर रही है ये विशाखा। गाइस, ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसका यहाँ रहना भी सेफ नहीं है, तो तुम्हें यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। तुम पे जिसने भी अटैक किया, आई एम श्योर उसने ही तुम्हें यहाँ ला के रखा। कब मैं पता लगा लूंगी उसकी चिंता तुम मत करना। लेकिन इस वक्त यहाँ से जाओ। तुम लोगों को मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो मैं पूरी करूंगी। ओके, डरना मत। लेकिन इस वक्त चलो यहाँ से। कम ऑन, उठो प्रतीक। आराम से प्रतीक, आराम से संभाल के। थैंक यू। इसका मतलब यहाँ हर एक चीज विशाखा की कोई चाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ मेरी मदद के लिए नहीं बल्कि अपने किसी प्लान को पूरा करने आई है। मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। विशाखा के इरादे जानने ही होंगे मुझे।